Dear students, today we are going to perform an activity upon the process of osmosis, in which the material required is a pair of eggs, raw eggs, resins, electronic balance, beakers. So let's start the activity. ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਐਗ ਏ ਦਾ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅਰਾਊਂਡ 58 ਗ੍ਰਾਮਸ ਵੇਟ ਆਫ ਐਗ ਬੀ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 52 ਗ੍ਰਾਮਸ ਵੇਟ ਆਫ ਐਮਪਟੀ ਪੈਟਰੀ ਡਿਸ਼ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 32 ਗ੍ਰਾਮਸ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸਮ ਰੇਜ਼ਿਨਸ Then weight comes out to be around 41 grams. So बच्चों तुसी देख सकते हो कि साढ़े को जड़ा वेट आया सीगा वो 41 ग्राम माइनस एमटी का वेट 32 यानी 9 ग्राम साढ़े को इस टाइम रेजन पे है. सो प्यारे बच्चों साढ़ा जड़ा सैंपल ए है साढ़े को हाइपोटोनिक सोल्यूशन है यानी ये कह लो भी ये वाटर है क्या प्लेन वाटर है और जड़ा साडा सैंपल बी होएगा दैट विल बी हाइपरटोनिक ताहिदे विच असी की पावांगे एदे विच असी नमक पावांगे सारा नमक पा दे बेटे सारा ही पा तो नमक नो असी ग्लास रॉड दे नाल घोल लिया सॉल्यूशन तैयार कर लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तैयार कर लिया सैंपल बी हमने ए सैंपल को उठा के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देना है एंड सिमिलरली बी सैंपल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देना है और कम से कम इसको रखना है हमने 3 घंटे के आसपास जो 9 ग्राम रेजिंस थी वो हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देनी एंड वी हैव टू लीव दिस ऑल ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स. तो बच्चों तुसी देख सकते हो जेड़ा एग आपां हाइपोकोल दे विच पाया सी यानी पानी च पाया सी उसका वेट आप करांगे 58 ग्राम सीगा हुण इहदा वेट तुसीं देख सकदे हो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 83 सो 83 ग्राम एग ए दा वेट हो गया. सिमिलरली असीं एग बी जिहड़ा हाइपर कोल यानी नमक दे कोल च पाया सी असीं उहदा वेट करांगे. तुसीं ध्यान नाल देख सकदे हो कि जिहड़ा वेट पहलां पैटरी डिश दे नाल सौगियां दा 41 ग्राम सीगा इट कम्स आउट टू बी अराउंड 74 ग्राम हो गया इहदा वेट 41 तो 74. दिस मीन्स थ्रू सैमी परमीएबल मैमब्रेन सौगियां दे विच किशमिश दे विच रेजन्स दे विच की गया वाटर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑसमोसिस इन अवर डेली लाइफ. बेटा तुसी देखिया होना कि जदों आपां बहुत ज्यादा देर तक नहाने आ जां साडे मदर कपड़े धो रहे हुंदे आ वॉश कर रहे हुंदे आ तां साडे हाथ ते रिंकल्स आ जांदे ओ क्यों आंदे होणगे सोची. सेकंडली जदों साडा गला खराब हुंदा असीं डॉक्टर कोल जांदे आ तां डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे विच पा दिंदा मेडिसिन दे नाल नाल जी तुसीं गारगल्स करो नमकीन पानी दे
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਓਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੈਂਟ ਆਫ ਸੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਿਕਲਸ, ਜੈਮਸ, ਜੈਲੀ, ਸਕੁਆਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਸਟੱਫਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਓ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।